दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली पोनियन सेल्वन 2 जहां एक तरफ ऐतिहासिक कमाई करती हुई नजर आ रही है और अपने पहले पार्ट की तरह यह फिल्म सिर्फ 3 ही दिनों में 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है, तो वहीं दोस्तों बॉलीवुड के भाईजान और बॉक्स ऑफिस के सुल्तान यानी कि दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान भी आज 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी है। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने नए नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं भाईजान की फिल्म यानी कि किसी का भाई किसी की जान 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते रिलीज किया गया था। और दोस्तों ईद के मौके पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ली। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि सलमान खान और पूजा हेगड़े की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जो कि एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 68 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ली और अक्षय कुमार के पिछले साल रिलीज होने वाली सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। तो वहीं दोस्तों अपने फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक धमाकेदार कलेक्शन करते हुए 93 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर दिया था। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने शाहरुख खान की भी पठान के पहले रिलीज होने वाली पिछले 5 सालों की फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके सुपरस्टार सलमान खान के स्टारडम की वजह से यह फिल्म अपने पहले ही हफ्ते में दुनिया भर में 151 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के सेकंड वीक के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस हफ्ते इस फिल्म के सामने एजेंट, PH2 और कई सारी बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों सलमान खान की इस फिल्म ने अपने 8वें दिन जहां 2,35,00,000 रुपए कमाए, वहीं दोस्तों अपने 9वें दिन यानी कि कल इस फिल्म के कलेक्शंस लगभग 30% की जंप के साथ नजर आए हैं और इस फिल्म ने कमाए हैं 3.5 करोड़ रुपए। ऐसे में इस फिल्म का जो टोटल था 98 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुका था। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज अपने 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों आज की इस फिल्म की जो एडवांस है 51,00,000 रुपए की है। मॉर्निंग से ही दोस्तों ये फिल्म 12-15% की ऑक्यूपेंसी पर चल रही है, तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में भी इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी सेम ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने 10वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ सलमान खान की यह फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर तो 102 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी होगी और 100 करोड़ के क्लब में उनकी यह 16वीं फिल्म होगी जो कि इंडिया में शामिल हुई होगी। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 165 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज पार कर रही है और इसी के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म बन चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर पोनियन सेल्वन 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर में रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है और दोस्तों यह फिल्म भी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे दिन 200 करोड़ की फिल्म बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चलें कि पोनियन सेल्वन 2 जिसका डायरेक्शन किया है मणि रत्नम सर ने और यह फिल्म दोस्तों लास्ट ईयर रिलीज होने वाली पोनियन सेल्वन 1 का सिक्वल है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको एक बार फिर से चिया विक्रम, ऐश्वर्या, त्रिशा, कार्थी, जयम रवि और शोभिता धुलीपाला नजर आने वाली है, जिसका बजट 350 करोड़ रुपए का था। बताते चले दोस्तों आपको कि पोनियन सेल्वन 2 एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें आपको एक्शन, ड्रामा, पॉलिटिक्स हर चीज देखने को मिलने वाली है और यही वजह है कि यह फिल्म इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बनी है और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मास्टरपीस भी बताया जा रहा है। अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अपने पहले दिन जो उम्मीदें थी उससे तो कम ही ओपनिंग मिली। यह फिल्म दोस्तों अपने पहले दिन 50 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म का अपने पहले दिन का जो अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 26 करोड़ का है और इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 40 करोड़ रुपए का है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 68 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ली है, जो कि एक तरह से इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले काफी अच्छे रिव्यूज की वजह से इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई और दोस्तों अपने पहले दिन से ज्यादा अच्छी कमाई इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन की है। इस फिल्म के अपने दूसरे दिन के भी जो कलेक्शन है वो लगभग 70 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे हैं और इसी के साथ ये फिल्म शुरुआती 2 दिनों में इंडिया से और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 135 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।
ऑडियंस की तरफ से जिस तरह के आउटस्टैंडिंग रिव्यूज इस फिल्म को मिल रहे हैं, यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने तीसरे दिन एक बार फिर से धमाकेदार ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। और आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो ही लगभग 16 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह फिल्म दोस्तों आज अपने तीसरे दिन भी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती 3 ही दिनों का जो कलेक्शन है वो तो 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। और फाइनली दोस्तों पीएस 2 भी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है उसकी रिकवरी इस फिल्म का पहला पार्ट ही कर चुका है, यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म अपने मेकर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल फिल्म बन रही है। फिलहाल में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस को देखकर लग रहा है कि यह फिल्म भी दोस्तों 500 करोड़ की फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर में जल्द ही बन सकती है। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों क्या लगता है कि यह फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल होगी या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।